दोस्तों, रेणुकूट भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले का एक शहर और नगर पंचायत है। रेणुकूट जिला मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज से 68 किलोमीटर दक्षिण और वाराणसी से 158 किलोमीटर दूर है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव आज आपके साथ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में मौजूद रेणुकूट शहर की कुछ रोचक जानकारियां शेयर करूंगा। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रेणुकूट एक औद्योगिक शहर है। यह हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र और रिहंद बांध के लिए भी प्रसिद्ध है। ये छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये राजधानी लखनऊ से लगभग 434 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, रेणुकूट शक्तिनगर, अनपरा, दल्ला और ओबरा के बगल में अवस्थित है। रेणुकूट सोनभद्र जिले में है, जो भारत का एकमात्र जिला है जो चार राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से अपनी सीमा को शेयर करता है। दोस्तों, रेणुकूट से 6 किलोमीटर दूर स्थित रिहंद बांध, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील और रिहंद नदी, जो कि सोन नदी की एक सहायक नदी है, पर बनाया गया था। ये बांध 1960 में बनाया गया था और इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। दोस्तों, बात अगर जनगणना की करें तो 2011 की भारत की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार रेणुकूट की कुल जनसंख्या 78,000 से अधिक थी। पुरुषों की जनसंख्या 57% और महिलाओं की जनसंख्या 43% के आसपास थी। वहीं साक्षरता की बात करें तो रेणुकूट की औसत साक्षरता दर 83% थी, जो कि राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर 72% से अधिक थी। पुरुष साक्षरता दर 92% और महिला साक्षरता दर 77% थी। वहीं 14% जनसंख्या 6 वर्ष से कम आयु की थी। दोस्तों, जब पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रिहंद बांध के उद्घाटन के लिए आए थे तो जीडी बिरला और जीआरडी टाटा भी उनके साथ आए थे। नेहरू ने उन्हें यहां एक उद्योग स्थापित करने के लिए कहा था। जीडी बिरला सहमत हुए और 1963 में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना की, जिसके बाद रेणुकूट अस्तित्व में आया था। रेणुकूट मिर्जापुर जिले में हुआ करता था, जो बाद में सोनभद्र और मिर्जापुर में विभाजित हो गया। रेणुकूट अब सोनभद्र जिले में आता है। क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भाग के पास विंध्याचल का क्षेत्र कई धार्मिक पहाड़ियों और ऐतिहासिक गुफाओं और मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। 50 ईसा पूर्व का चुनार किला रेणुकूट से वाराणसी के रास्ते में है, जो 5 घंटे से भी कम की ड्राइव पर है। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई के लिए रेणुकूट में कई इंग्लिश मीडियम के हाई स्कूल हैं, जिनके नाम है निर्मला कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल, केकेडीके विद्या मंदिर और डीसी लुइस मेमोरियल स्कूल। रेणुकूट में 2 स्कूल ऐसे भी हैं जहां शिक्षा का मीडियम हिंदी है और जो उत्तर प्रदेश बोर्ड के मानकों का पालन करते हैं, जिनके नाम हैं आदित्य बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज, जिसे पहले हिंडाल्को इंटरमीडिएट कॉलेज के नाम से जाना जाता था, और महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज, जो कि जीआईसी पिपरी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, रेणुकूट अब उच्च शिक्षा में तेजी ला रहा है और खड़पाथर में स्थित बाबू राम सिंह पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज नामक एक डिग्री कॉलेज भी खुला है। 4 से 5 घंटे की दूरी के अंदर कई बड़े विश्वविद्यालय हैं, जिनमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और प्रयागराज विश्वविद्यालय भी शामिल है। हाल ही में
रेणुकूट ने टाउनशिप के भीतर उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए नए कॉलेज विकसित करना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, रेणुकूट का पिन कोड 231217, टेलीफोन कोड 05446 और व्हीकल रजिस्ट्रेशन कोड UP64 है। दोस्तों, रेणुकूट में एक रेलवे स्टेशन भी है जो कि दिल्ली, कोलकाता, जम्मू, रांची, पटना, जबलपुर और भोपाल से बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कई तरह की लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनें यहाँ पर रुका करती हैं। इसके अलावा रेणुकूट सड़क मार्ग से भी काफ़ी अच्छी तरह से आसपास के कई शहरों से जुड़ा हुआ है। रेणुकूट से कई सारी बसें आसपास के शहरों के लिए खुला करती हैं। रेणुकूट रेलवे स्टेशन और रेणुकूट बस स्टैंड के आसपास के प्रमुख जगहों के लिए ऑटो, ई रिक्शा और रिक्शा आदि बड़ी ही आसानी से मिल जाया करती हैं। तो दोस्तों, रेणुकूट शहर की ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं और आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें। और अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल संजीव मिश्रा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस चैनल पर भी आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस शहर या किस जगह की देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए और इतनी तत्परता के साथ हमारा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।